नमस्ते, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं thelalantop.com। मैं आज आपको एक ललनटापवाद की कहानी सुना रहा हूं। तेलंगाना के हैदराबाद में दबीरपुरा फ्लाईओवर है, इसके नीचे रोज दोपहर में भीड़ लगती है। भीड़ धूप से बचने के लिए नहीं, किसी के इंतज़ार में रहती है। घड़ी 12:30 बजाती है और एक तार बिजली से पतले हमारे या टाइप का दुबला पतला आदमी प्रकट होता है। सब लाइन में बैठ जाते हैं और यह आदमी उनको खाना परोसना शुरू कर देता है। और ये सिलसिला आज का नहीं है, साल 2012 से चल रहा है, होते करते 6 साल हो गए। इस आदमी की फेवरेट टैगलाइन है, भूख का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। शुरू से शुरू करते हैं। इस आदमी का नाम है अजहर, सैयद उस्मान अजहर मकसूसी। इनके बचपन की कहानी थोड़ी कचोटने वाली है। 4 साल के थे जब पापा की डेथ हो गई। कुल 4 भाई बहन हैं और इनका नंबर 3रा आता है। घर में गरीबी थी इसलिए 5वीं क्लास से आगे पढ़ नहीं पाए, मेहनत मजदूरी करने लगे। दादा के घर में रहते थे, खाने वाने कोई खास ठिकाना था नहीं। कभी दिन में एक बार मिला, कभी 2 बार, कभी 1 बार भी नहीं। अजहर की अम्मी लेकिन सलीके वाली औरत थी। वो बच्चे को हमेशा अच्छी बातें ही सिखाती थी, जिसका असर अजहर पर दिखता है। तो भूख से अजहर का इतना तगड़ा रिवर्स वाला कनेक्शन बन गया कि ये उसको मिटा देना चाहते हैं। 6 साल पहले इसकी शुरुआत दबीरपुरा के फ्लाईओवर के नीचे हुई। वहीं बगल में उनकी प्लास्टर ऑफ पेरिस की दुकान है। तो फ्लाईओवर के नीचे एक दिन लक्ष्मी नाम की बुढ़िया दिखी, भूख से तड़प रही थी, रो रही थी। अजहर से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने खाना लाकर उसको खिलाया और मन ही मन फैसला किया कि उनके पास जो भी थोड़ा बहुत इंतजाम है, जो थोड़े बहुत संसाधन है, उससे भूख मिटाने का जिम्मा उठाएंगे। फिर वो रोज़ फ्लाईओवर के नीचे खाना पहुँचाने लगे। गिनती बढ़ने लगी। पहले 30-35 लोग आते थे, अब 150-200 आते हैं। पहले उनकी वाइफ खाना बनाकर देती थी और घर से लेकर जाते थे, अब वहीं उन्होंने 2 कारीगर लगा दिए, वहीं खाना बनता है। सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में भी खाना खिलाने का काम शुरू कर दिया है। इस काम में सनी वेलफेयर फाउंडेशन नाम की संस्था जो है वो उनकी हेल्प करती है। संस्था की वैन से खाना अस्पताल तक पहुँचता है। अब पूछो कि इसके लिए पैसा कहाँ से आता है, तो भैया पैसा नहीं, सीधे अनाज आता है। अजहर सिस्टम के की पर्सन बन गए, लेकिन इंसानियत तो तमाम लोगों में होती है। बहुत से लोग दान वान करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज रहते हैं कहाँ करें। ऐसे ही लोगों से अजहर को अनाज सब्जी वगैरह मिल जाता है। पैसे वो लेते नहीं, जिसको देना है राशन पानी दो। खुद POP की दुकान पर सुबह शाम 2-2 घंटे बैठते हैं और बाकी टाइम इसी काम के नाम कर रखा है। अब सुनो फेमस कितने हैं, बींग ह्यूमन नाम का प्रोग्राम है ना सलमान खान का, अजहर उसमें गए थे पिछले महीने। उनको देश के उन 6 लोगों में चुना गया था जो रियल लाइफ हीरो हैं। उसके पहले बच्चन अमिताभ की मेज़बानी वाले उस शो आज की रात है ज़िंदगी में भी जा चुके हैं। इतना सब होने के बाद ही भाई के अंदर बहुकाल का एक अंश नहीं आया है। वैसे ही शांति से ज़िंदगी जी रहे हैं अजहर और अपना काम कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके बताइएगा, और आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा अच्छा काम कर रहा है तो हमको ज़रूर सूचित कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए।